किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में अड़ंगा लगाने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है एक भाई साहब की, जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए। और फल वाले की दुकान पर गए तो जाकर के उन्होंने भाव पूछा कि केला क्या भाव है और एप्पल का क्या भाव चल रहा है। तो दुकानदार ने कहा, फल वाले ने, कि भाई साहब केले तो 40 रुपये दर्जन है और सेब का भाव चल रहा है 120 रुपये किलो। उसने जैसे ही बोला तो बोलने लगे कि अरे बहुत महंगा लगा रहे हो, थोड़ा ठीक लगाओ, जो मोल भाव की आदत होती है वो सब चल रहा था। तभी वहाँ पर एक महिला आती है, फटे से पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जब वो आती हैं और भाव पूछती हैं कि केले किस भाव दिए, एप्पल क्या भाव दिया, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो तो चल रहा है 5 रुपये दर्जन और सेब जो है 25 रुपये किलो है, आप ले जाइए। तो जैसे ये बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियां देने लगते हैं कि कैसा बदतमीज़ है, अभी पुलिस को बुलाऊंगा, बताऊंगा कैसे किस तरीके धोखाधड़ी कर रहा है ये वो है। महिला आई तो इसने दाम कम कर दिए, बहुत कुछ उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगा। इधर ये जो महिला आई हुई थी, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दे दो, 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाफट से तौल दिया फल जो था और दे दिया। और वो महिला वहाँ से जब जाने लगी तो बड़ी खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहाँ से थोड़ी सी दूर गई, ये जो पहले से आए हुए भाई साहब थे ये गुस्से में बड़बड़ाने लग गए कि बदतमीज़ हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, ये है वो है, समझ क्या रखा है तुमने। महिला आ गई तो तुमने दाम कम कर दिए और इतने कम कर दिए, 40 रुपये दर्जन के लिए मुझे बता रहे हो, उनको बता रहे हो 5 रुपये दर्जन, मुझे कह रहे 120 रुपये किलो जो एप्पल चल रहे हैं उनको कह रहे हो 25 रुपये किलो, ये कौन सा डिफरेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत गुस्से में थे। फल वाले ने कहा, भाई साहब मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा, बता बता क्या कहना चाह रहा है। फल वाले ने कहा, वो जो महिला भी आके गई ना, उनके पति को मैं जानता हूँ, कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई, इनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं, यहाँ सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, यहाँ पास में ही रहती हैं, बहुत लोगों ने कोशिश की कि इनको थोड़ा पैसा दे दें, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा लें, लेकिन ये तैयार नहीं है, बहुत खुददार हैं, लोगों के घरों में जाकर के साफ सफाई का काम करती हैं, झूठे बर्तन जो है झूठे बर्तन मांजती हैं, सफाई करती हैं, सब करती हैं और अपनी खुददारी से जीवन जीती हैं। तो मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा कि कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएंगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा, भोली भाली हैं ये, सोचती हैं कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो गुस्से में थे पहले से आए भाई साहब, उनका गुस्सा बहुत शांत हो गया और ये जो फल वाला था ये कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी कभी आती हैं, 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद रखता हूँ कि जब भी ये आती हैं मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है, जिस दिन ये आती हैं ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ, ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी ये जो छोटी सी झोपड़ी है इसमें बहुत कुछ भेज देता है। जो गुस्से में थे भाई साहब उनका गुस्सा शांत हो गया, उन्हें जीवन का सच समझ में आ गया कि जिस दिन आप दूसरे की मदद करने लगेंगे उस दिन ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करने लगेगा। और मैंने कहीं सुना कि जब आप प्रार्थना करें तो दूसरों के लिए पहले मांगें, अपने लिए सबसे बाद में मांगें, आप देखना सबसे पहले प्रभु आप ही की सुन लेंगे, आपने जो मांगा आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद करता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।